ये हमने 32 इंच चौड़ा और 28 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। इसके हमने दो लेयर लिए हैं। हम इसे चौड़ाई की तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। यहाँ से हम 8 इंच पर इस तरह से लंबाई में निशान लगाएंगे और इधर से 28 का हाफ 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है इसी तरह से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये हमने निशान लगाया है तो इतने पार्ट में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। सिलाई लगा ली है और ये वो पार्ट है जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई कट नहीं करनी है। चारों तरफ नॉचेस लगा लिए हैं। अब यहाँ से जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। राइट साइड में टर्न करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इस ओपन वाले पार्ट से हम इसमें कॉटन की फिलिंग करेंगे। कॉटन फिल करने के बाद में ये इस तरह से दिखेगा। अब इस ओपन वाले पार्ट को सिलाई लगाकर हम बंद कर देंगे। ये हमने इसे सिलाई लगाकर बंद कर दिया है।